नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थियों को बकाया धनराशि जारी करेंगे। इतना ही नहीं, सीएम योगी ग्रामीण इलाकों में किसी भी आपदा और आर्थिक कमी के कारण राज्य सरकार बेघर लोगों को भी छत प्रदान करेंगे। सरकार ने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण शुरू कर दी है। इसके कार्यान्वयन के लिए वास्तविक लाभार्थियों की पहचान के लिए जिला प्रशासन को आदेश जारी कर दिया है। आवास योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। खुद सीएम योगी लाभार्थियों को किस्त हस्तांतरित करेंगे। करीब 21,562 लाभार्थियों का आवास निर्माण को किस्त दी जाएगी। साथ ही 87 करोड़ का ऑनलाइन हस्तांतरण करेंगे। बुलंदशहर के न्यू खुर्जा जंक्शन और कानपुर के न्यू भाऊपुर के बीच मंगलवार से फ्रेट कॉरिडोर पर मालगाड़ियां दौड़नी शुरू हो जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया है। सोमवार को दिन भर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और रेलवे के अधिकारी तैयारियों में जुट रहे हैं। सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर न्यू खुर्जा स्टेशन से न्यू भाऊपुर स्टेशन तक करीब 100 से अधिक स्पीड से मालगाड़ियां दौड़नी शुरू हो जाएंगी। इसका वर्चुअल शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। खुर्जा के अलावा न्यू भाऊपुर स्टेशन और प्रयागराज स्थित ईस्ट ट्रंक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर भी उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ। प्रधानमंत्री के वर्चुअल कार्यक्रम को दिखाने के लिए न्यू खुर्जा स्टेशन पर 3 LED और 2 प्लाज्मा लाइट लगाई गई है। रोल सर, ये जो फ्रंट कॉरिडोर का सर ये निर्माण किया गया है, अभी ये वर्तमान में कहाँ से कहाँ तक इस पर गाड़ियाँ चलेंगी? अभी आज का दिन जो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, गौरवमयी दिन है, गौरवशाली दिन है। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लोकार्पण राष्ट्र के लिए कर दिया गया है। EDFC 1 के नाम से सेक्शन है और इसकी लंबाई जो है डबल ट्रैक 351 किलोमीटर है। और यह सेक्शन खुर्जा से न्यू खुर्जा से लेकर न्यू भावपुर और न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा, और इसमें 10 स्टेशन है। और न्यू खुर्जा स्टेशन है, आगे न्यू दाऊद खान है, न्यू हाथरस है, न्यू टुंडला है, न्यू मखनपुर है, न्यू भदान है, एक दिल है। ये सर कितना सेक्शन सर अभी तैयार हो गया है? और भावपुर है, ये 351 किलोमीटर डबल लाइन कंप्लीट तैयार हो चुका है। इसमें सर रोजाना लगभग कितनी मालगाड़ियाँ गुजरेंगी, कितना लोड रहेगा इस पर? मैक्सिमम कैपेसिटी 60 टन्स की है। कितनी स्पीड से सर गाड़ियाँ इस पर चलेंगी? 100 KPS की मैक्सिमम जो है। सर इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत है? पूरे इस प्रोजेक्ट की एक खासियत है कि ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन पर गाड़ियाँ चलेंगी। उत्तर प्रदेश के बरेली में नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि युवक ने एक मासूम के साथ दुष्कर्म किया था और दुष्कर्म करने के बाद मौके से फरार हो गया था। पुलिस की छानबीन में आरोपी को बरेली के शेरगढ़ से गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के सामने पेश किया गया है और कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कंपनी कर्मचारी ने दिया घटना को अंजाम। आगरा के लॉयर्स कॉलोनी में शनिवार को हुई लूट का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। आरोपियों की तलाश में पुलिस और बदमाशों के बीच सिकंदरा पर मुठभेड़ हुई है, जिस दौरान पुलिस ने लूट की रकम सहित लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग के दौरान पुलिस की गोली एक बदमाश के पैर में लग गई थी। पुलिस ने मौके से 2 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि लॉयर्स कॉलोनी के हिंदुस्तान लीवर कंपनी के गोदाम में कुछ अज्ञात लुटेरों ने हथियारों के बल पर लूट की थी, जिसका पुलिस ने 30 घंटे के अंदर ही
सफल खुलासा करते हुए मुठभेड़ में दो लुटेरों को गिरफ्तार किया है और लूट की रकम भी बरामद कर ली है। घटना के बाद एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि लुटेरों कंपनी का पहले कर्मचारी रह चुका है, जो 3 साल पहले कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था, जिस कारण उसे कंपनी में आने वाली रकम के बारे में पूरी जानकारी थी। इसी रकम को लूटने के लिए उसने कानपुर में रहने वाले अपने भाई के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया। एसएसपी बबलू कुमार ने खुलासा करने वाली टीम को सम्मानित किया और साथ ही 25,000 के इनाम देने की घोषणा भी की। दो व्यक्तियों के द्वारा अवैध असलहे के बल पर जो उनके कर्मचारी से उनको बंधक बनाकर पैसे की लूट की गई थी। आज हमारी टीम ने 30 घंटे के अंदर उस पूरी घटना का सफलतापूर्वक अनावरण करते हुए घटना में शामिल दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से पूरे पैसे बरामद कर लिए गए हैं। बैग, जिस बैग में वो पैसे ले गए थे, वो बैग, कागजात और लूटे गए 3 मोबाइल फोन, साथ ही साथ जो DVR ले गए थे, वो सभी चीजें बरामद कर ली गई हैं। शादी और पार्टी में लोगों को गोलियां चलाते हुए बहुत देखा होगा, जो कि प्रतिबंध भी है, लेकिन फिर भी लोग मानते नहीं है, जिसकी वजह से कई बार हादसे भी हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ यूपी के बदायूं में, जहां एक शादी के दौरान कुछ लोगों ने हार्श फायरिंग की। फायरिंग से गोली सीधा एक युवक के सिर में जा लगी। गोली लगते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। युवक को अस्पताल ले जाते समय उसकी मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में अभी तक कोई तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए नोडल अफसरों द्वारा प्रशासन के अनुसार काम शुरू हो गया है। कन्नौज के नोडल अफसर बनाए गए IG कानपुर मोहित अग्रवाल ने मंगलवार को कई इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान IG पुलिस प्रशासनिक अफसरों के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस की पहुंच अब मजबूत करने के लिए सिपाहियों के साथ भी बातचीत की। बता दें कि नोडल अफसर ने पुलिस कर्मियों को समस्याओं के समाधान के लिए शहर के कई इलाकों का ब्यौरा किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अक्टूबर को पुलिस व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिसिंग का नया फॉर्मूला लागू किया था, जिसके तहत प्रदेश के सभी 75 जिलों में DG से लेकर IG स्तर के वरिष्ठ IPS अफसर नोडल अधिकारी बनाए गए थे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि जल्द ही पुलिस की पहुंच पिछड़े हुए इलाकों तक होगी। पुलिस आम लोगों से अच्छे से पेश आएगी, ताकि गांव में गड़बड़ होते ही सबसे कमजोर व्यक्ति भी बिना डरे सूचना दे सके। इस दौरान IG ने महिला हेल्प डेस्क का भी निरीक्षण किया। कन्नौज जनपद में सरकार की तरफ से नोडल अफसर के रूप में मुझे नामित किया गया था, उसी के तहत आज यहाँ सभी अधिकारियों की बैठक हुई है। उसके बाद सिपाही लेवल की बैठक कोतवाली कन्नौज में की गई है। मुख्य लक्ष्य हम लोगों का यह है कि जनता को अधिकारियों के ऑफिसर्स के चक्कर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ना काटने पड़े, बल्कि प्रशासन गांव-गांव जाए, लोगों से संवाद स्थापित करे, उनकी समस्याओं को वहीं पर गाँव में ही सुने और यदि संभव हो तो उसी समय समस्या का हल करें। यदि समस्या का हल करना संभव नहीं है या उस उनके विभाग से, हमारे पुलिस विभाग से संबंधित नहीं है, तो उनके प्रार्थना पत्र को लेकर के कप्तान साहब के माध्यम से हम लोग DM साहब को यहां के देंगे। कन्नौज जनपद में अगली खबर यूपी के हरदोई से है। घर से युवक का आधा जला शव बरामद हुआ है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। यूपी के हरदोई में विभूति नगर में रहने वाले एक युवक का आधा जला हुआ शव बरामद किया गया है। युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर आधा जला हुआ पड़ा था। आसपास के लोगों का कहना था कि घर के अंदर से बदबू आ रही थी, तभी अचानक लोगों ने जाकर देखा तो युवक का आधा जला हुआ शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस को दी गई
सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यूपी के हरदोई में एक जला हुआ शव बरामद हुआ है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। यूपी के हरदोई में विभूति नगर में रहने वाले एक युवक का आधा जला हुआ शव बरामद किया गया है। युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर आधा जला हुआ था। आसपास के लोगों का कहना था कि घर के अंदर भी बदबू आ रही थी, तभी अचानक लोगों ने जाकर देखा तो युवक का आधा जला हुआ शव मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस को दी गई सूचना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस को रात में सूचना मिली थी कि विभूति नगर में एक घर में आग लगी है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पर एक डेड बॉडी मिली है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और जैसा आगे होगा आपको बताया जाएगा। परिजन क्या बता रहे हैं? कुछ अभी परिजन कुछ बताने के स्थिति में नहीं है। उनकी पत्नी है, उनसे बातचीत हो रही थी, अभी उनको होश व हवास में नहीं है। जैसा आगे बताएंगे फिर बात करेंगे। किसी में कोई बातचीत मुलजिम में क्या कुछ संज्ञान? अब ये सारी चीज़ें चूँकि डेड बॉडी ऐसी है वो अभी पहचान नहीं हो पा रही है। ये सारी चीज़ें जब बताएंगे तो आगे उसमें कार्रवाई के बारे में। यूपी के कासगंज में लापता ई रिक्शा चालक की तलाश जारी है। चालक के कपड़े, तमंचा और खून बरामद किया गया है। हत्या का शव नदी में फेंकने की आशंका है। यूपी के कासगंज में दो दिन पहले लापता हुए ई रिक्शा चालक की तलाश अभी भी जारी है। फिलहाल पुलिस को जंगल में कपड़े, खून और मौके से तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस और द्वारा की जा रही जांच से पता चला है कि रिक्शा चालक की हत्या कर शव को काली नदी में फेंक दिया गया था। फिलहाल पुलिस, गोताखोर और डॉग स्क्वाड की टीम्स की मदद से चालक की तलाश में जुट गई है। बता दें कि चालक सदर के नगला का रहने वाला निवासी लालमन था, जो परिवार का पालन पोषण करने के लिए ई रिक्शा चलाता था। वह बीते दो दिनों से लापता है, जिसके सोमवार को कासगंज पुलिस ने लालमन के सरसों के खेत से कपड़े, तमंचा और सरसों के खेत में खून पड़ा हुआ मिला है, जिसे देखकर पुलिस और स्थानीय लोगों को समझते देर नहीं लगी कि उसकी हत्या कर शव गायब कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ गोताखोरों द्वारा काली नदी में लालमन के शव की खोजबीन की जा रही है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। आपको बता दें कि रिक्शा चालक की लापता होने से पहला मामला नहीं है। 9 नवंबर को अशोक नगर निवासी राहुल और 20 नवंबर को विवेक पुत्र अनार सिंह लापता हो गए हैं। इनका भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। आपको बता दें कि कासगंज में एक ई रिक्शा चलाने वाले की हत्या हो गई है। यूपी के कासगंज में दो दिन पहले लापता हुए ई रिक्शा चालक की तलाश अभी भी जारी है। फिलहाल पुलिस को जंगल में कपड़े, खून और मौके से तमंचा बरामद हुआ है। पुलिस और डॉग स्क्वाड टीम द्वारा की जा रही जांच से पता चला है कि ई रिक्शा चालक की हत्या कर शव को काली नदी में फेंक दिया गया है। फिलहाल पुलिस, गोताखोर और डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से चालक की तलाश में जुट गई है। बता दें कि चालक सदर के नगला का रहने वाला निवासी लालमन था, जो परिवार का पालन पोषण करने के लिए ई रिक्शा चलाता था। वह बीते दो दिनों से लापता है, जिसके सोमवार को कासगंज पुलिस ने लालमन के सरसों के खेत से कपड़े, तमंचा और सरसों के खेत में खून पड़ा हुआ मिला है, जिसे देखकर पुलिस और स्थानीय लोगों को समझते हुए देर नहीं लगी कि उसकी हत्या कर शव गायब कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ गोताखोरों द्वारा काली नदी में लालमन के शव की खोजबीन की जा रही है, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि रिक्शा चालक के लापता होने का पहला मामला नहीं है। 9 नवंबर को अशोक नगर निवासी राहुल और 20 नवंबर को विवेक पुत्र अनार सिंह लापता हो गए हैं। इनका भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। नाम है तुम्हारा? सुनील। सुनील, ये तुम्हारे बहनों के अपहरण का मामला है, क्या है मामला? वो गायब हो गई थी सर जी, शाम को उन्होंने फोन किया, इधर उधर ढूंढते रहे तो मिले नहीं थे। ठीक है, उसके बाद तहरीर दी थी हमने, उनको बताया था तो टिर्री मिली थी हमको वहाँ पर, तो दुर्गा जी साहब को फ़ोन किया था, उसके बाद वे गए थे, उन्होंने कहा आपको टिर्री घर ले जाओ, तो वहाँ से चले आए थे हम। आज क्या हुआ? आज ये हुआ था, मर्डर हुआ है उसका, उसको वो मिला था, स्टॉल मिली थी और दस्ताने मिली थी हाथ के ग्लव्स और
वाइस से और कुछ नहीं मिला था। खून के धब्बे भी गए रस्ते में है? खून हाँ खून बहता हुआ है। राजस्थान के जैसलमेर में विभाग की लापरवाही से नहर में मृत पशु और गंदगी देखी गई है। राजस्थान के नाचना में इंदिरा गांधी नहर विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर के अंदर तैर रहे मृत पशु और कचरा होने के आसपास गंदगी देखने को मिली है। वहीं नहर के अंदर एक हिस्से में बबुल की झाड़ियों ने भी डेरा डाल रखा है। नहर में बबुल के बड़े बड़े पेड़ और सफेदे के पेड़ होने के कारण क्षतिग्रस्त होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लोगों की माने तो झाड़ियों की वजह से इंदिरा गांधी की मुख्य नहर कभी भी टूट सकती है। विभाग की अनदेखी के कारण नहर के अंदर दिनों दिन बढ़ रहे बबुल के पेड़ व अन्य झाड़ियों के पेड़ पिछले 2 सालों से नहर की नहीं की गई सफाई ठेकेदारों व विभाग की मिली भगत से चलते नहीं की जा रही है। में मृत पशु के शव मिले हैं, ये बड़ी लापरवाही है। इंदिरा गांधी नहर विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि इंदिरा गांधी मुख्य नहर के अंदर तैर रहे मृत पशु और कचरा होने के आसपास गंदगी देखने को मिली है। वहीं नहर के अंदर एक हिस्से में बबुल की झाड़ियों ने भी डेरा डाल रखा है। नहर में बबुल के बड़े बड़े पेड़ और सफेदे के पेड़ होने के कारण क्षतिग्रस्त होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। लोगों की माने तो झाड़ियों की वजह से इंदिरा गांधी की मुख्य नहर कभी भी टूट सकती है। विभाग की अनदेखी के कारण नहर के अंदर दिनों दिन बढ़ रहे बबुल के पेड़ व अन्य झाड़ियों के पेड़ पिछले 2 सालों से नहर की नहीं की गई सफाई ठेकेदारों व विभाग की मिली भगत के चलते नहीं की जाती है पूरी नहर की सफाई। बिहार के नवादा में ट्रक ने ऑटो से मारी जोरदार टक्कर, सड़क हादसे में 1 की मौत हो गई और 4 घायल है। आपको बता दें नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुडराही के समीप नवादा की ओर आ रही ऑटो में रजौली से नवादा की ओर आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे ऑटो के परखचे उड़ गए हैं। आनन फानन में नवादा सदर अस्पताल लाया गया, जहां 1 की मौत हो गई और 4 लोग घायल हैं। सभी घायलों का इलाज नवादा सदर अस्पताल में किया जा रहा है। बता दें कि अकबरपुर से नवादा ऑटो आ रही थी, इसी बीच तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो के परखचे उड़ गए। अकबरपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों का इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया है। सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें बिहार की नवादा से खबर है, जहां पर सड़क हादसे में मौत हो गई, 1 की मौत हुई है, 4 लोग घायल है। नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुडराही के समीप नवादा की ओर आ रही ऑटो में रजौली से नवादा की ओर आ रही ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे ऑटो के परखचे उड़ गए हैं। वहीं आनन फानन में नवादा सदर अस्पताल लाया गया है, जहां 1 मौत हो गई है तथा 4 घायल है। सभी घायलों का इलाज नवादा सदर अस्पताल में किया जा रहा है। बता दें कि अकबरपुर से नवादा ऑटो आ रही थी, इसी बीच तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो के परखचे उड़ गए। अकबरपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया है। सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। अकबरपुर से हम आ रहे थे नवादा, और देखा कि एक्सीडेंट हो गया हुआ था, वो टेम्पू में मार दिया ट्रक, गिट्टी वाला गाड़ी, तो वही उसमें 2 को घायल था, तो लोड कर दिया तो लेके आ गया। मौत डेड बॉडी कैगो था? डेड बॉडी हम जल्दीबाजी में देखे हैं नहीं। हाँ हाँ, कैगो हमको लोड कर दिया, हमको कैसे जाओ कैगो, तुम कैगो लाए? हम 2 को लेकर आए। अगली खबर भी बिहार की नवादा से आ रही है। नवादा में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। 5,000 के लिए कारोबारी के घर फायरिंग हुई। बिहार के नवादा में गोविंदपुर के ऊपर बाजार नायक टोला में सोमवार बीती रात अपराधियों द्वारा स्वर्ण कार के घर पर गोलीबारी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। गोलीबारी को लेकर स्वर्ण कार सरोज स्वर्ण कार का कहना है कि देर रात कुछ लोगों ने उनके घर पर गोलीबारी की, जिससे घर का दरवाजा और खिड़की टूट गई। गोलीबारी की सूचना पुलिस को दे दी गई है, लेकिन
जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती है तब तक अपराधी यहां से भागने में सफल रहे। आपको बता दें कि गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस देर रात कई जगहों पर छानबीन कर रही है, लेकिन अपराधियों की पता नहीं चल सका है। सरकार के घर पर खिड़की दरवाजे में कई जगहों पर दाग देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि घर के पास में सुन्नी मालाकार नामक व्यक्ति ने उनके घर पर गोलीबारी की है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। कुछ दिन पहले सुन्नी के द्वारा छोटे व्यवसायी स्वर्णकार से 5,000 रुपए की मांग की गई थी, नहीं देने के बाद सुन्नी नहीं धमकी दी, जिसके बाद देर रात गोली चलाई गई। स्वर्ण कारोबारी की शिकायत के बाद अब पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि ये घटना हुई है बिहार के नवादा में, जहां पर एक स्वर्णकार के घर पर गोली चली है। आपको बता दें कि गोलीबारी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। गोलीबारी को लेकर स्वर्णकार सरोज का कहना है कि देर रात कुछ लोगों ने उनके घर पर आए और गोलीबारी की, जिससे घर का दरवाजा और खिड़की टूट गई। गोलीबारी की सूचना पुलिस को दे दी गई है, लेकिन जब तक पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक अपराधी यहां से भागने में सफल रहे। आपको बता दें कि गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस देर रात कई जगहों पर छानबीन कर रही है, लेकिन अपराधियों का पता नहीं चल पा रहा है। स्वर्णकार के घर पर खिड़की दरवाजा में कई जगहों पर दाग देखे गए हैं। हालांकि पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि घर के पास में सुन्नी मालाकार नामक व्यक्ति ने उनके घर पर गोलीबारी की है। पुलिस गिरफ्तारी के लिए छानबीन कर रही है। कुछ दिन पहले सुन्नी के द्वारा छोटे व्यवसायी स्वर्णकार से 5,000 रुपए की मांग की गई थी, नहीं देने के कारण बाद में सुन्नी ने धमकी दी थी, जिसके बाद देर रात गोली चलाई गई। स्वर्णकारोबारी की शिकायत के बाद अब पुलिस बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। शुरू मरते पर चौथा रोज 3 गो आया लड़का, छोड़े छोड़े तो 3 गो लड़का आया तो अंदर ढूक गया। 4-5 बजे अंदर ढूक गया। ढूक के तो हम कहा कि किसको खोज रहा है, किसको खोज रहा है। तब बल सरोज के ये क्या काम है, जा दुकान दुकान जा। तब बल नहीं यही काम है। तो मेरा पुतो के कहा, एक और लड़का था छोड़े सन तो उसको हाथ में की था सबको पता नहीं। तो बोल दोनों उसको हाथ में निकाल के, दोनों उसको हाथ में निकाल के हम निकालबे नहीं करे। तब पकेटिया से कतना कहलकै तो कौची तो निकला है उधर रुमाल ऐसा और निकाल के नहीं दे। हम चल गए फिर फोन करते हम गोदाल करे लगे। रातिए का हुआ, रात में हो घरे में का हुआ रहा? रात में यह बम छूटा, 10-12 गो बम छूटा, केवारी ठेला। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बी स्टार न्यूज़। नमस्कार।